देखिए सात्विक वर्ड से ही पता चलता है कि सत्व, जिसका जो सत्व का अंश है, तो जैसे हमारे यहाँ पूजा पाठ होती है तो उसमें प्याज लहसुन ये सब भी मिल पड़ता है। मुझे सात्विक खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो मैं सबसे बड़ी बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं इंडिया से हूँ, इंडिया में इतनी सारी वैरायटीज़ हैं खाने की, और सात्विक खाने में आपको ऐसा नहीं कि बहुत लिमिटेड, आपको इतनी सारी वैरायटीज़ मिलती है यहाँ पे खाने की। तो इतने टाइम के बाद बाहर आए हैं और जो भी सात्विक खाना खा रहे हैं, एक तो नवरात्रि चल रहे हैं तो खाने में इतने टाइम बाद खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो और जब सात्विक खाने की बात आती है तो हम खासकर जो लोग मुंबई में रहते हैं और दूसरे कई मेट्रो शहर में, वो महाराजा भोग ज़रूर खाने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल प्योर शुद्ध तरीके का खाना मिलता है। तो चलिए विदिशा, जो हमारे देश का सात्विक खाना है उसे खाने और उसके बारे में बात करने के लिए हम चलते हैं महाराजा भोग। दाल ढोकली और दिस इज सम काइंड ऑफ वड़ा जो कि बहुत ही यमी लग रहा है एंड आई एम गोना टेस्ट इट। और ये पपीते की आई थिंक चटनी है, ग्रीन चटनी एंड सम रेड चटनी। इतनी सारी वैरायटीज है जिसका नाम भी मुझे नहीं पता है। सो अभी स्टार्ट करते हैं और इतनी सारी बाकी है अभी। कटोरियाँ कम पड़ गई, वैरायटीज इतनी है और मैं सब चीज़ें टेस्ट कर रही हूँ। ये एक्सपीरियंस, सबसे पहले तो ये खुशी है कि मैं बहुत टाइम के बाद आने खाने आई हूँ, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग तो वही हो जाता है। खाने तो मेरी सज गई है, इट्स रियली टेम्पटिंग नाउ, वेट नहीं हो रहा है। इसे जल्दी जल्दी बता देते कि मेरी थाली में क्या क्या है। सो आई स्टार्ट विद दिस, ये तुरई की सब्ज़ी है एंड बहुत ही यम लग रही है। इस पर कुछ नमकीन सा पड़ा हुआ है जो कि हम लोग नहीं, यूनिक है, मुझे नहीं पता, इसमें नमकीन भी डालते थोड़ा सा। पनीर और कैप्सिकम की सब्ज़ी है, मेरी आलू की सब्ज़ी है, मूंग की सब्ज़ी है, और ये दाल है, राजस्थानी दाल है, और ये कढ़ी है, राजस्थानी कढ़ी है, और ये है खीर। गॉड, बोलते बोलते मेरे मुँह में पानी आ रहा है। एंड ये स्पेशल है, ये एप्पल की, एप्पल का डिश है, इसको क्या कहते हैं, एप्पल का हलवा, एप्पल का हलवा है। सो मैंने कभी पहले एप्पल का हलवा कभी टेस्ट नहीं किया, कभी खाया नहीं, बाकी सब चीज़ें खाई पर एप्पल का हलवा कभी नहीं खाया था मैं। थेपले से और दाल ढोकली से स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आया इतनी सारी चीज़ें मैं खाऊं क्या। जो हमारे त्योहारों में तो सात्विक खाना खाते हैं हमारे, और जनरली भी हमारा ही देश ऐसा है जहाँ पे सात्विक खाना एक हमारे कल्चर का हिस्सा है। हाँ, सात्विक के बारे में आपको क्या पता है। देखिए सात्विक वर्ड से ही पता चलता है कि सत्व, इसका जो सत्व का अंश है, तो जैसे हमारे यहाँ पूजा पाठ होती है तो उसमें प्याज लहसुन ये सब भी मिल पड़ते हैं। तो जितना आप सात्विक खाना खाएंगे, कहते हैं ऐसा इंडिया में कि आपका, आप अंदर से प्योर होते हैं, आपके अंदर एक डिवाइन फीलिंग आती है, आपका जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा कहते हैं कि आपका खाना जैसा हो आपका मन वैसा हो जाता है। तो आप सात्विक खाना खाते हैं, आपके अंदर सात्विक विचार आते हैं ऐसा कहा जाता है। और जैसा मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि अगर मैं अच्छा खाना खा रही हूँ तो आई फील प्योर। बताइए कहाँ तक जर्नी पहुँची आपके। ओह माय गॉड, आई एम ऑलरेडी फीलिंग सो फुल, मेरा पेट भर गया है, लेकिन एक खिचड़ी देख के टेंप्ट हो रही हूँ, थोड़ा सा तो खा लेती हूँ।
बचा हुआ है आपके प्लेट में? मैं सब खत्म कर दूंगी लाइक धीरे धीरे, मैं सब चीजों का टेस्ट ले लेके खा रही हूँ एक एक करके। मैंने दोबारा भी लिया। पूरा घर की फीलिंग है, इतनी साफ सुथरे से ये लोग दे रहे हैं एंड एवरी वन इज लाइक सो ऐसे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए सारे जो भी इस समय कोविड के हैं। सो आई एम रियली हैप्पी विद द सर्विस एंड आई एम रियली हैप्पी विद द फूड। आपने छाछ खत्म की नहीं अभी तक? थोड़ा सा बाकी, अभी खत्म करूँ खाने के बाद और एक ग्लास लूंगी मैं छाछ। मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई, तुरई की सब्जी गायब हो गया एक्चुअली सब, मैंने इतना सारा खा लिया, इतनी सारी चीज़ें खाई है। पनीर कैप्सिकम खाया मैंने, आलू की सब्ज़ी खाई, मूंग की सब्ज़ी खाई, दाल कढ़ी स्वीट डिश, एप्पल का हलवा खाया, कढ़ी पूड़ी आई डोंट नो व्हाट ऑल, इतनी सारी चीज़ें खा के आई एम लाइक आई एम सो फुल एंड आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। तृप्त होता है ना, तृप्त हो गए खा के, वैसे ही वाली फीलिंग है। यस, आत्मा तृप्त जो कहते हैं, आत्मा तृप्त हो गई सात्विक खाना खा के और ऐसा खाना खा के। एंड लाइक ऐसा लग रहा है बस सो जाओ यहीं पे, मुझे कोई बेड दे दे मैं यहीं सो जाऊँ, इतना खा लिया, आई एम सो फुल राइट नाउ। मुझे सबसे अच्छा लगा दाल ढोकली, अच्छा लगा और मुझे कढ़ी अच्छी लगी, मुझे कैप्सिकम और पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी और मुझे एप्पल का हलवा बहुत अच्छा लगा। आई मीन ये ऐसी चीज़ थी जो मैंने पहले कभी नहीं खाया था, एप्पल का हलवा, एंड दिस वाज सो यम्मी, आई जस्ट लव्ड इट। ये सरप्राइज है पान। ओ माय गॉड, मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ और बनारसी पान जैसे आप जानते हैं बहुत ही फेमस है, तो यहाँ पे पान खा के इतनी मुझे वहाँ की अपनी जगह की याद आ गई। एंड आई एम श्योर ये मीठा पान है खाने के बाद देते हैं जो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, तो नाउ आई एम गोना हैव दिस पान। पान खाकर आपको डांस करने का मन करता है कि नहीं? कहीं के पान बना साला। नहीं नहीं, फिलहाल खा के मुझे इसको रिलिश करने का मन करता है इसका इसके टेस्ट को। लेकिन मुझे वो जब पान खाने के बाद वो रेड हो जाता है ना, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। हमारे महाराज भोज की परंपरा है गेस्ट को मनवार करना, इसको मनवार बोलते हैं गेस्ट में, बार बार आग्रह करके खिलाने रेस्पेक्ट करना गेस्ट। हमारे एक हर आउटलेट में अतिथि देवो भव हाथ जोड़ के हमारे एक सिंबल भी है, तो अतिथि देवो भव का मतलब होता है कि गेस्ट को हम भगवान के तुल्य मानते हैं। तो अभी वापस खुला आपका रेस्टोरेंट कोविड कोविड वगैरह के प्रिकॉशंस किस तरह से ले रहे हैं? हमने देखा काफ़ी सारे हैं प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन पहले इस तरह बाहर से ही करते हैं, बाहर में पहले टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, उसके बाद आरोग्य सेतु, थर्ड में आता है सैनिटाइजर, फोर्थ में आता सोशल डिस्टेंस। ये तो सबको मेंटेन करना ही करना है, विदाउट मास्क किसी को एंट्री नहीं, विदाउट आरोग्य सेतु एंट्री नहीं है, और सैनिटाइजर के बिना हैंड सैनिटाइजर के बिना किसी को एंट्री नहीं। ये सात्विक खाने की एक खासियत ऐसा कहते हैं कि आप कुछ भी खाओ तो क्योंकि इतना हैवी नहीं होता और उसमें इम्प्योरिटीज नहीं होती तो मतलब लाइट फील करते हैं, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज होता है कि खाना इतना अच्छा होने की लोग बहुत ज़्यादा खाना खा देते हैं। तो इसके साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि जो कोविड के बाद जो अनलॉक हो रहा है और उसमें जो महाराजा वो खुला है, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रिकॉशन लिया और बहुत अच्छे से उन्होंने सारा प्रोटोकॉल फॉलो किया है और जो सारे अरेंजमेंट्स हैं उनके, जो जितना भी उन्होंने इंतज़ाम किया है प्रिकॉशन लिया है, वो सब बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन किया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग है वो प्रॉपर मेंटेन किया गया है, और इसके लिए थैंक्स कहना चाहेंगे हमारा जो ग्रुप को और आशीष महेश्वरी जो इनके फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं,
तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतने अच्छे से वो लोग गेस्ट को ट्रीट कर रहे हैं और इतना अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं. जब लोग घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं तो वो बाहर आके खाना चाहते हैं और वो बहुत सेफ फील कर रहे हैं. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात. एब्सोल्युटली, सेफ्टी इज़ फर्स्ट. और ऐसे टाइम पे सबको तो डर लगता है कि हाँ बाहर जाके, अभी भी स्टार्ट हुए रेस्टोरेंट्स और कोविड के टाइम पे पता नहीं सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, बट यहाँ पे आके देखा एवरीथिंग इज़ जस्ट परफेक्ट. एंड खुशी खुशी सेफली के साथ बिना डरे हुए हमने यहाँ पे खाना खाया है. त्यौहार हमने मनाना शुरू कर दिया है थोड़ा अच्छे से, पहले से थोड़ा अच्छे से हमने खाना पीना बाहर आके शुरू कर दिया है, तो काम भी जल्दी शुरू होने वाला है. और इसके साथ हम आपको एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे. थैंक यू सो मच.